बंदे ने 6 हफ्ते का नाम लेके उसको 4.5 महीना लगा दिया, और उस समय स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मतलब फेवरेबल नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती उस कार का जो कंसाइनमेंट है, मैंने फिर उसको बोल दिया, भैया मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, अभी स्थिति ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है यार। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ब्लॉग लेके आऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है वो कोई ट्रैवल ब्लॉग रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉग रिलेटेड है। थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता तो लग ही गया होगा आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है। कंपाला में ना आप जितना भी रोड पे चलते रहो ये बोडा बोडा जो है आपको परेशान करके छोड़ देगा। तो थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा आज का ब्लॉग किसके ऊपर है। तो भाई आज हम जा रहे हैं गाड़ी खरीदने। गाड़ी खरीदने के लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं भाई, पिछले साल एक गाड़ी खरीदने की कोशिश करी और वो नाकाम रहा। उस गाड़ी को मैंने जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट करने के लिए सोचा था और उसके ऊपर मेरा $1,800, मतलब यूँ इंडियन करेंसी में मान लो 1,35,000 का चुना लग गया। वो कैसे चुना लगा, उसकी क्या कहानी है, इस वीडियो में आप जानते रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। लोग बाग हंस रहे हैं, मैं अपने आप से बड़बड़ कर रहा हूँ तो ये देख के यहाँ के लोग हंस रहे हैं। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं निकला हूँ एक जगह पे, यहाँ पे जो है अफ्रीकन मार्केट में जो गाड़ी जो चलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जापान से आती है, और जापान से जो आती है वो सारा सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो आती है। यूँ मान लो यहाँ पे करीब करीब 98-99% जो गाड़ी जो चलती है, सिर्फ युगांडा नहीं पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका शायद छोड़ के 98-99% गाड़ी जो है वो सेकेंड हैंड गाड़ी चलती है। और आप लोगों को पता ही है जापान में हर साल एक या दो बार सुनामी आ जाती है या फिर ऐसा टाइप का कुछ टाइफून टाइप का आ जाता है, काफ़ी कैजुअलिटीज होती है, और वही सब गाड़ी जो है थोड़ा सा रिफर्बिश करके अफ्रीका में एक्सपोर्ट की जाती है, और उन्हीं में से एक गाड़ी को आज मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो चलो हमारे साथ घूमते रहो और देखते रहो कैसे हम गाड़ी खरीदते हैं। भैया गाड़ी खरीदने चल रहे हैं और बोडा मोटा में बैठ के, ये है हमारी ज़िंदगी। चलो फिर हमारे साथ आपको थोड़ा सा सैर कराते हैं, लेट्स गो। भारी मशक्क़त करने के बाद फिर अल्टीमेटली इस कार बॉन्ड में पहुंच ही गया। मुझे जो एड्रेस दिया गया था पता लगा गूगल मैप इस्तेमाल करके, मैं कोई अपार्टमेंट के सामने खड़ा हो गया। फिर वहां से जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया घर से उतना डिस्टेंस कवर करके और एक जगह पे आया। यहां पे आके देखा भाई साहब का कोई पता नहीं। और आप लोगों को बता दूँ युगांडा कार मार्केट में 95-98% जो कार डीलर होते हैं वो पाकिस्तानी है, और बाकी गिने चुने कुछ लोकल युगांडन होंगे या तो फिर इंडियंस होंगे। मतलब आप कहीं पे भी जाओ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कार डीलर मिलेंगे। ये बंदा काफ़ी सही है, इसका भी रेफरेंस हमारा एक जो बंगाली फ्रेंड्स है जिसके साथ हम केनिया गए थे उसके रेफरेंस पर मुझे मिला था। बंदा अभी बोल रहा है यार सॉरी मैं अभी आ रहा हूँ आप वहीं पे रुको। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का जो कार बॉन्ड है कैसे दिखता है। ये गाड़ी जो है ना ऐसे ही खड़ी रहेगी और
आप चाहो तो यहीं पे सिलेक्ट करके अपनी गाड़ी ले सकते हो। प्रॉब्लम इस बात की है, यहाँ पे जितनी भी गाड़ी है ये सारा का सारा जापान से आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जापान में हुआ क्या था। पिछले साल जब कोविड का चलता हुआ जो समय था, जिस समय बहुत भारी भड़कम में बिजनेस जारी था, कोविड का सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ, उस समय मैंने यहाँ पे SBT जापान करके एक कंपनी है जो लोग कार इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ पे गया और एक सेल्स रेप के चुंगल में फंस गया। उसने एक्चुअली मुझे रेप ही कर दी। सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, मतलब इन लोगों से जितना बच के रहें तो उतना ही अच्छा है। ससुर के बाद में आके एक गाड़ी मैंने चूज़ करी, टोयोटा रोमियन। और हाँ, बाय द वे, यहाँ पे ना अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा टोयोटा की जो गाड़ी है चलती है। इंडिया में आपने टोयोटा के कोई 4 या 5 मॉडल देखी है, यहाँ पे कम से कम 30 से 40 अलग अलग टोयोटा की मॉडल मिल जाएगी। टोयोटा ऐसी बड़ी कंपनी है। तो हुआ यूँ, उस बंदे को मैंने $1,800 एडवांस दिया कि गाड़ी को भैया तू इम्पोर्ट करवा ले। और बंदे ने बताया साहब 6 से 7 हफ्ते के अंदर गाड़ी आ जानी है, और वो जो 6 से 7 हफ्ता है ना वो लग गया 4.5 महीना। उस समय कोविड का इतना ज़बरदस्त भयानक परिस्थिति थी, युगांडा में पूरा लॉकडाउन था। आपने उस सारे लॉकडाउन के समय जो वीडियोस है आपने देखे होंगे, बाइकिंग इन कंपाला, अगर नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। काफ़ी भयंकर स्थिति थी। बंदे ने 6 हफ्ते का नाम लेके उसको 4.5 महीना लगा दिया, और उस समय स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मतलब फेवरेबल नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती उस कार का जो कंसाइनमेंट है, मैंने फिर उसको बोल दिया भैया मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, अभी स्थिति ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। उस बंदे ने मेरे पीछे पड़ गया, भाई आपने ऑर्डर दिए तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, तुझे जो करना है कर ले, $1,800 चूना लगाना है लगा ले। और वो बाद में मुझे चूना लग गया, और उसके करीब करीब 8-9 महीना बाद, मतलब आज मार्च 2022 है, फिर से हमने दिल बनाया, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से अफ्रीका में मैं रह रहा हूँ, और 9 साल में करीब करीब 4 गाड़ी हमने खरीद ली है, और 4 गाड़ी हमने बेच बुझा के आगे निकल पड़े। और यह 5वां गाड़ी है जो मुझे काफ़ी दिक्कतें दे रही है। पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पॉलिसी ऐसे ही है, जिस भी कंट्री में मैं रहने की कोशिश करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ। टंजानिया में मैंने 2 गाड़ी ली थी, केनिया में मैंने 1 गाड़ी ली थी, एल साल्वाडोर में मैंने 1 गाड़ी ली थी, तो मैंने सोचा युगांडा में भी लूँगा, बट उस समय कोविड का ऐसा लफड़ा था ले नहीं पाया। जो भी कारण है, मुझे $1,800 का चूना लग गया था, जो इंडियन करेंसी में 1,35,000 रुपया होता है। तो आप समझ सकते हो दर्द भरी कहानी है, और हमारी किस्मत तो ऐसी ही है, साली नुकसान ही नुकसान है। इटली जाना चाह रहा था वो हो नहीं पाया, उसमें भी $1,500 का चूना लग गया, तो आज भी काफ़ी परेशान हो गया था। तो बंदे ने बताया आप वहीं पे रुकिए, हम आ रहे हैं, तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। भाई साहब के लिए आधा घंटा इंतज़ार किया धूप में, तब जाके इन भाई साहब की मुलाकात हुई। अरे सॉरी बहुत है, अब देखो सॉरी बोलते हो, अब देखो गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं। और आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो और 5 मिनट, मेरे घड़ी में सिर्फ 4 ही मिनट बचा हुआ होता, अगर ये आ जाते ठीक है, नहीं तो आज का प्रोग्राम मैं कैंसिल कर देता। मैं इसी टाइप का हूँ, लेना है लो, नहीं तो मत लो, छोड़ो आगे बढ़ो। तो अभी आ गया हूँ, देखो मत ले लेना, ये देखो ये बयानर कह रहा है ये मेरा फेवरेट कैमरा है। आपको ये सारे के सारे 95% जो मार्केट है ना, ये सब पाकिस्तानी भाई लोगों के हैं। तो आ गए वही जगह पे, देख लो भाई गाड़ी जो है ना, ऐसे जापान के तरह तरह के जो पोर्ट्स हैं वहीं से इंपोर्ट की जाती है, और अफ्रीकन सॉयल में इसको बेची जाती है। तो मैं और मेरा बॉस पिछले हफ्ते आए थे गाड़ी चुनने के लिए, मैं 1-2 गाड़ी देख के गया था, तो आज देखता हूँ वो गाड़ी अगर अवेलेबल है तो ले लेंगे। गाड़ी लेना जो ना है ना, वो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, पसंद आ गया ले लो, ख़त्म करो। तो दिखाओ भैया, तो रोमियन तो दोगे नहीं? रोमियन बिक गई। बिक गई, बढ़िया, चलो आपका तो हो गया, रोमियन बिक गई। तो ये सफ़ेद वाली फिल्टर कहाँ रह गई?
तो उसका कोटेशन भेज दो। ये सफेद वाली जो गाड़ी है ना, ये हमने ऑफिस के लिए लेने की प्लान कर रहे हैं। जिस की फोटो है उसको भी कैमरे में ले लो। तो ये रहेगा 2007 का है, देख रहे हो आप, गाड़ी ठीक ठाक है, टायर जो है एकदम नई है। ये हम लोगों ने चेक करके गए थे पिछले हफ्ते, तो इस गाड़ी को हमने सिलेक्ट किए थे अपने ऑफिस के लिए। अब अपनी गाड़ी के लिए मैं ढूंढूंगा। अपनी गाड़ी कहाँ है दिखाओ, कहाँ रह गई? आप तो देने वाले हो नहीं मुझे रूमियन, पिछले साल जो मैंने ये किया था तो देने वाले हो नहीं, सर छुपा के रखे होंगे। सेंटा पकड़ लो। सेंटा यार मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं है सेंटा में। और कौन सी गाड़ी? प्रीमियो ले लो, ये तो 30 से ऊपर तो मांगो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी बॉन्ड की गाड़ी देनी? तो हमने दोस्तों ये जो दो गाड़ी है ना, दो में से एक गाड़ी को हमने चुनी है। ये ऐसे ही कुछ दिखेगा, 1500 cc की गाड़ी है, टोयोटा सिएंटा के हिसाब से ये गाड़ी आती है। ये दोनों गाड़ी का जो माइलेज है ये 50,000 के नीचे है, वो भी 50,000 के नीचे है। मैंने इस गाड़ी को शायद सिलेक्ट किया था, है ना? हाँ, इसकी जो टायर है ठीक ठाक दिखा, इसका बैटरी लगा लो एक बार। वो तो बैटरी, तो इस गाड़ी का कुछ ऐसे ही दिखेगा, 2008 का है, बट कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी भी काफ़ी बढ़िया है, कलर जो है ना एकदम शानदार है, वाइट के ऊपर पर्ल कलर दिया हुआ है। बट यहाँ के रोड में ये वाला जो है ये खतरनाक रहता है। अरे रहीम भाई एक चीज़ बताओ ना, ये निकल जाएगी? ये निकल जाएगी। निकल जाएगी तो दिखेगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये आप निकाल नहीं सकते, मतलब परमानेंट हटाना चाह रहे हो? हाँ हाँ। नहीं नहीं होगा, क्योंकि अगर हटाओगे ना तो उसके नीचे फिर वो है, इसके वजह से ना यहाँ का रोड बहुत खराब है। लगेगी, ये लगेगी 100%। तो ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा था, तो फिर इसको ले लो ऊपर कर देते हैं गाड़ी। उसके वजह से मैं, मेरा मेन ये है इसके वजह से, मैं कह रहा हूँ गाड़ी खराब हो जाएगा, उसको थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं। लिफ्ट करने से भी वो लगेगा यार, रोड यहाँ पे बहुत ही बकवास है। आप 1000 में से 999 बार बच जाएंगे, एक बार नहीं बचेंगे, बस ऐसी तैसी हो जानी है। पर दोस्तों ये दोनों गाड़ी का जो कलर है ना ठीक ठाक है, मैंने चेक कर लिया था, एक्सीडेंट वाली गाड़ी नहीं है और इंजन भी सही है। अभी बुलाया हूँ, वो बैटरी लेके आएगा। हर एक गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में यहाँ पे बैटरी नहीं मिलेगी, तो बैटरी अलग से लगानी पड़ेगी, फिर आपको स्टार्ट देनी पड़ेगी। स्टार्ट देने के लिए उतना सा तेल तो अंदर रह ही जाता है। तो ये गाड़ी की इंजन है 2008 की है, फिर भी देखो काफ़ी साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा दिखेगा। ये गाड़ी जो है करीब करीब 47 या 49 हज़ार, मतलब 50,000 के नीचे नीचे में चली है। इसका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मुझे दिखा दो, वो ऑफिस में। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो टैकोमीटर में जो दिखेगा, अगर आप लोग अफ्रीका में कभी भी बॉन्ड से अगर गाड़ी खरीदी सोचते हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को पता है वो चीज़ मैनिपुलेशन से हो ही जाती है आराम से। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आता है जो, जिसको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के हिसाब से जाना जाता है, और वो सारी चीज़ जापानीज वर्ड में लिखी रहती है, बट जो चैसिस नंबर है और जो जो किलोमीटर्स है वो चीज़ अंग्रेजी में लिखी रहती है, तो आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी आप अगर खरीदते हो उसको आप हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, इंजन सही है। तो इंजन की वजह से मैं इस गाड़ी को लूँगा। इस गाड़ी में सिर्फ एक ही खराबी है, इसका ये जो सामने का जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ओल्डिश टाइप का लुक है, बट बंदे ने बताया ये जो है ये सब क्लीन कर पूरा देंगे। गाड़ी का जो अंदर है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, काफ़ी साफ सुथरा है, थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करने की ज़रूरत है, कर देगा। तो डैशबोर्ड कुछ ऐसे ही दिखेगा, सारी चीज़ जापानीज में है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। हाँ, एसी मैंने ऑन कर दी, एसी बंद हो गया भाई, इट हैज स्टॉप्ड। शुड आई स्टार्ट? गाड़ी में ना कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, इतना जबरदस्त है, देख लो, सिर्फ 49,676, मतलब 50,000 से नीचे भी कमी है, कम चली है। गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखेगा, 7 सीटर गाड़ी है। नीचे आपको ये जो दिख रहा है ये बच्चों के लिए है, जो पीछे है जिसको फोल्डिंग करके आप रख सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ हाउ टू ओपन द बूट, यहाँ पे लोग डिकी नहीं कहते, बूट कहते हैं। इस गाड़ी में
टायर जो है ठीक ठाक है, लगभग नहीं है, डनलप की है, मेरा तो ब्रिजस्टोन प्रेफरेबल है। ये देखो ये बच्चों के बैठने के लिए है, बट इसको ऐसे अंदर आप कर सकते हो। इंटीरियर साफ सुथरा है, आप चाहो तो ले सकते हो। क्या ख्याल है दोस्तों, अभी तक तो मैंने इसका जो प्राइसिंग है इसके ऊपर बात तो करी नहीं, बात करनी पड़ेगी, निगोशिएट करना पड़ेगा, बट मोटा मोटी ठीक ठाक है। 1.5L का है, 1500cc की गाड़ी है, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड माउंटिंग भी ठीक ठाक है, इसको बोलेंगे तो और ऊंचा ये कर देगा 1-2 इंच का। मर गए यार, जापानीज में बात कर रहा है, मैं क्या करूंगा। ठीक है फिर, अभी इसी के ऊपर बात करते हैं भाई। अभी यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ का ऑफिस है, तो अभी गाड़ी का प्राइसिंग को लेके बहुत टागोबार हो रहा है, और अपने लिए गाड़ी जो है ना वो एक छोटी सी एक साबुन वाबुन खरीदने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं फ्रीक्वेंट खरीदता हूँ, बट मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा लवेबल थिंग नहीं है कि लेना ही है, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी ऐसी बात नहीं है, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, ज़िंदगी रुकने वाली है। तो इनका एक प्राइसिंग था, मैंने एक प्राइसिंग दे दी इनको, अगर वो प्राइसिंग अगर जचेगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं यार, जयराम जी की करके आगे हम निकल पड़ेंगे। शायद पता लगा अगले 6 महीना हमें गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इच्छा ही नहीं हुई, फिर 6 महीने बाद इच्छा हुई, फिर से गाड़ी लेंगे। ऐसी है भाई साहब हमारी ज़िंदगी, देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मसला ये है कि हमारी जो प्राइस है और इन कार डीलरों की जो प्राइस है, ये बात बनी नहीं। करीब करीब $1000 का डिफरेंस निकला, 1000 के थोड़ा सा ऊपर है, और मैं भी वैसे ही हूँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी गाड़ी ख़रीदने का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, फिर कभी 2-6 महीना बाद फिर से आनबान जाग उठेगा, फिर घूमते रहेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है आज का ये जो घन चक्कर वाला जो मामला है गाड़ी ख़रीदने के चक्कर में, आप लोगों ने पसंद करी, नहीं पसंद करी तो एक डिसलाइक ज़रूर ठोक देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।